राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने केवसर में जीत की है, क्या कहना चाहोगे जीत को लेकर? देखिए, हमने राजस्थान के अंदर एसपीआरएलपी गठबंधन में मजबूती से करीब 700 प्रत्याशी लड़ा है और हमारे प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था। और ये राजस्थान के अंदर जो बीजेपी का तूफान चल रहा था, इसे आरएलपी एसपी गठबंधन रोक दिया और एक मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर खड़ा कर दिया। तो पूरे नतीजे शायद करीब करीब आ गए होंगे। इस बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और दिल्ली में पहले भी हम लड़ाई लड़ रहे, जो हमारे इच्छू थे चुनाव के अंदर, अग्निपथ को वापस करवाना, किसानों के मुद्दे, ईआरसीपी, राजस्थान के जो मुद्दे थे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इनको लेके हम सड़कों पर निकलेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोग, ये जो यहाँ कमी रही है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करेंगे कि 25-0 यहाँ पे करते हैं, बीजेपी को 25 सीटें हराएं राजस्थान। जिस तरह से लो मार्जिन मुकाबला रहा, क्या आपको चलता रहता है? चलता रहता है, सुनिए मेरी बात। ये आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? 7वीं जीत है लगातार, 8-13 फिर 14 लोकसभा में ज्योति मेहता की जमान जब्त कराई, सीखी कांग्रेस की टीम में निर्दलीय था, 18 फिर 19 फिर छोटा भाई 19 और फिर 23। ये राजस्थान में सबसे मजबूत अगर इलाका है, मजबूत जनता है, मजबूत है, तो क्यों चल गए? इन्होंने साबित किया कि हमारे नेता को हम ठीक है, कुछ छोटा मोटा बीच में आगे पीछे होते रहे, लेकिन मजबूती से सर्व समाज ने वोट डाला। वोटों का ध्रुवीकरण जिस हिसाब से होना था, वो वोट एक जगह पड़ गया। और ये कोई बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट नहीं दिए, ये नरेंद्र मोदी से लेके कांग्रेस से लेके जितने भी आज तक के 50 साल में मेरे पारिवारिक सतत्तर से हमारा परिवार लड़ रहा, पहले मूंडवा था, क्यों से पड़ गया, तो कहीं न कहीं जिनको छोटा मोटा था, सब लोग एकजुट हो गए थे और हमारे ही पाड़े से जाके व्यक्ति चुनाव लड़ा। तो 7-8-10 हज़ार वोट निश्चित रूप जानते हो, मेरे साथ रहा 20 साल से, व्यक्ति 7-8 हज़ार वोट खराब जीत का अंतर 20 हज़ार रहता। और चूंकि मैं खुद इलाके के अंदर नहीं आ पाया था, मैंने 2-3 रैलियाँ करी और छोटा भाई नारायण और पूरी टीम यहाँ चुनाव लड़ रही थी। अब की बार लोगों के मन में ये भी था कि कैंडिडेट गांव-गांव क्यों नहीं आ रहा, पिछली बार 18 में हमने जीता जो है, तो एक थोड़ी सी बात भी चली थी, लेकिन फिर भी संभाल लिया और चुनाव जीत गया। हमारा वोट कम नहीं हुआ, वोट उसी तरह हमारा बढ़ा है। ठीक है, विरोधी जो वोट है वो एक जगह आ गया, उपचुनाव के अंदर भी जीत 4,500-5,000 थी, जो सही 2,000 पड़ी, कोई फर्क नहीं। अगली बार आप वोट करेंगे। लोकसभा नागौर विधानसभा में आरएलपी लड़ी नहीं थी, आरएलपी जो चाहती थी हो गया नागौर विधानसभा, नागौर में ही नहीं हुआ। करीब 15 जगह ऐसे ऐसे लोगों का इलाज कर दिया जिन्होंने सोचा नहीं होगा, जो कहते थे हम कभी नहीं आ रहे, उनको घर बिठा दिया। लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे इस बार, देख लेंगे आप और कौन लड़ेगा, यहाँ हम ही लड़ेंगे। हम मतलब बोलो ना, मर गए क्या? हनुमान।